ये है तिकोनिया, और ये रोड जो आप देख रहे हैं ये सामने वाली रोड जाती है हल्द्वानी की तरफ, और इस तरफ जो रोड जा रही है वो जाती है भीमताल डांट की तरफ। यहीं से नकुचे ताल को भी रास्ता है। दोस्तों यह है सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर बना हुआ सुभाष पार्क। दोस्तों यहाँ पे हम लोग सुनीता मैम का वेट कर रहे हैं, तो वो अभी आने वाली हैं। जब वो आ जाएंगी उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैम आ गई है हमारी। ले पकड़ना ही तो दोस्तों ये है भीमताल। भीमताल का वर्णन हमें स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पर 5 पांडव आए थे विश्राम करने, और यहाँ पर भीम द्वारा अपनी गदा से इस ताल का निर्माण किया गया था। कहते हैं कि इसी वजह से यहाँ का नाम भीमताल पड़ा। नाश्ता वाश्ता करके आए सुबह? नहीं। बताया क्यों नहीं फिर आपने? अरे नहीं, यहाँ पे मंदिर भी तो आना था। अरे दोस्तों ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे माउंट एलवन स्कूल है ऊपर, और यहाँ पे नीचे जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे अभी, ये माउंट एलवन स्कूल का ही हॉस्पिटल है। अब हम यहाँ से आगे जाएंगे, इस रोड से हम लोग कचुला देवी है ना, कचुला देवी के मंदिर जाएंगे पहले। तो दोस्तों हम लोग अभी पहुँच चुके हैं कचुली देवी मंदिर में। दोस्तों हम आ चुके हैं कचुला देवी के मंदिर में। कुछ लोग इन्हें कैचुली देवी भी कहते हैं, कुछ कैचुला देवी कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पे, और ये है कौन से भगवान, ये शायद काली माता का मंदिर है, और ये है मेन मंदिर। यहाँ पे शायद हॉल वगैरह बना रखे हैं, यहाँ पे पूजा पाठ होता होगा जब उस टाइम पे यूज होता होगा, इस वजह से बनाया होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे का जो इतना जो एरिया है, यहाँ पे का जो पानी है, कितना यहाँ पे इससे आप लोग अगर मुँह धोते हैं या इससे नहाते हैं या स्नान करते हैं तो स्किन प्रॉब्लम्स कहते हैं कि इससे दूर होती हैं। दोस्तों इस मंदिर का वर्णन हमें स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है। ऐसी मान्यता है कि जो माता कचुला देवी हैं वो नागराज करकोटक की माता हैं, और नागराज करकोटक इस मंदिर में माता का दूध पीने आते थे। दोस्तों यहाँ पे जो करकोटक पहाड़ी है भीमताल में, वहीं पर मान्यता है कि नागराज करकोटक का वास है। तो दोस्तों कचुला देवी मंदिर के हमने दर्शन कर लिए हैं, माता के भी दर्शन कर लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं आगे और क्या क्या है। हम लोगों ने यहीं से पढ़ाई की है तो अपना स्कूल भी आपको दिखाएंगे।